व्रत तोड़ रहा हूँ। सो गाइस फाइनली हमारा नंबर आ गया, वैसे नंबर तो क्या ही है, हम लोग थोड़ा साइड से आ गए यार दर्शन करने के लिए। ठीक है आता अभी दर्शन तो बहुत मुश्किल है, दूर से भीड़ चढ़ा दे रहे अभी जब मम्मी चढ़ा रही है, बाकी यहाँ पे बाकी आप लोगों की भीड़ देख ही सकते हो, इतने सारे लोग यहाँ पे भी आ रहे हैं। ऊपर चलते रहते खींच, पिछले साल से कम है भीड़, ये देखो भीड़ भीड़ आए, हम तो सुबह 4 बजे चल रहे हैं, चलो हमने पकड़ा दिया भैया को, और अभी हम लोग चल रहे हैं नीचे की तरफ, तो चलो फटाफट चलते हैं नीचे, जूते पहनने के लिए चलते हैं फटाफट, तो चलो भाई भाई ऊपर देख पैराशूट पैराग्लाइडिंग हो रही है क्या, वो देखो वहाँ पे पैराशूट जा रहा है पूरा उड़ता हुआ। चलो दर्शन हो गए भाई फाइनली, जैसे तैसे है लड़ झगड़ के दर्शन हो ही गए फाइनली, अब हम लोग चल रहे जूते पहनने। चलो साहब मतलब यहाँ पे ना एक अलग ही जंग चल रही है, इधर भीड़ में इतनी है और लोग इतना आ रखे हैं तो लोग वो भी नहीं कर पा रहे, थोड़ा लोग ओवर क्राउडेड हो गए जगह। चलो चल रहा है अभी जूते पहनते, तो गाइस अभी तो यही है, तो अभी जूते वूते पहनते हैं नीचे चलते हैं, तो जब जूते वूते पहन लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको। पहले नीचे जूते लेके आ गए और हमने जूते पहने मंदिर से, तो वहाँ पर हमने जूते वूते पहन दे भैया मंदिर, तो चलो चल रहे अभी नीचे की तरफ, भैया गए पीछे और मम्मी है आगे, तो अभी मम्मी के पास चलता फटाफट और ये उतरना चालू करते हैं वापस, जैसे आए थे वैसे ही जाए रहे, वो देख रहे हो आपको गाड़ी वो लाइन दिख रहा है वहाँ से आए हम लोग, मतलब उतना इतनी दूर से आ रहे हैं हम लोग पैदल चलते चलते, तो वहाँ से उतनी भीड़ आ रहा है, ये रे मम्मी जे में, तो चलो और यहाँ पे जो कॉटन कैंडी भी बेची जाती बाकी है यही है। चलो चल रहे, तो ये देखो कुत्ता भी आया है भाई, तू भी शिव जी के दर्शन करने आया है, वाह देख लो। सर अभी तो यही है, तो अभी और कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो तब आपको दिखाता हूँ। तो सो गाइस आपको भी याद होगा जब हम लोग जा रहे थे तो हमें ये मंदिर दिखा था, तो ये रहा मंदिर, अभी हम लोग अंदर तो नहीं जा रहे, बाहर से दर्शन कर रहे हैं मंदिर के, लेकिन जब फिर से आएंगे तो तब दर्शन करेंगे। अभी हाथ जुड़े तो चलो चलते, बाकी यहाँ पे मंगोटा मंगोटा घूम रहे, मतलब मंगोटा मतलब भांग की बात है घर में, ये भांग होती है तो भांग बेच रहे, बाकी यहाँ पे दुकानें हैं, बाकी यहाँ पे सब लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हम भी फॉलो कर रहे हैं, हाँ बस यही चल रहा है। ये देखो यहाँ पे भी है, मतलब जगह जगह पे भंगोटे बेच रहे हैं, तो ये अभी तो चलो चलते हैं नीचे, अभी और कुछ इंटरेस्ट मतलब तो तब आपको दिखा देता हूँ। चलो मंदिर से नीचे यहाँ पे दुकान के पास कुछ खाने का सामान, तो ये देखो ऐसे जूस लिया और ये कचक लिया है अभी हमने, तो यही अभी तो अभी इसको बढ़िया से खाते हैं, मेरे को तो लग रही है भूख क्योंकि मैं आज सुबह से भूखा हूँ, पता बहुत तगड़ी तरह से भूखा हूँ, बहुत तगड़ी भूखी, तो मैं तो कुछ खाना व्रत तोड़ रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे से नहीं हो रहा था, मैंने सोचा था पहले लंबा से मेरा भी क्योंकि नहीं हो रहा भाई, मेरा परेशान हो गया मैं, वैसे को वैसे ही पैकर नहीं है सर, एक तो चढ़ गया था, कोई नहीं चलो खाते हैं फिर दिखाता हूँ आपको, तो चलने रुके ये वाले ठीक है, और मैं अपना व्रत तोड़ रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था कि मैं चाहता व्रत तोड़ रहा हूँ, मैं व्रत तोड़ रहा हूँ, मुझे लग रही है बहुत तगड़ी भूख, मेरे से नहीं हो रहा भाई समझ में, मतलब भूखा रह ही नहीं जा रहा, मैंने केले वेले खा लिए संतरा खा लिया फिर भी मेरा भूख नहीं, मैं अभी फाइनली अपना व्रत तोड़ रहा हूँ। ठीक है यहाँ पे मैंने ऑर्डर करा रखा है छोले चावल, ठीक है अभी छोले चावल जहाँ से आ रहे हैं, ठीक है छोले चावल आपको दिखाता हूँ जब हमारा आते हैं, तो तब तो चलो तो ये रहे, खाने में तो टेस्टी लग रही है बट ट्राई करते हैं और बताता हूँ आपको कैसा हो रहा है टेस्ट। सो ये
पहला घाट तो अभी तो ये है फटाफट से ये खाता हूँ और मैं तो ये खाने बैठता हूँ। सो यहाँ से छोले चावल घर के हो चुके हैं तो अभी हम लोग चल रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ जहाँ पर अपन ने गाड़ियाँ लगा रखी है और भीड़ देख रहा हूँ ये तो भीड़ लगी है। यहाँ पे भंडारी की लाइन है और यहाँ पे वो संतरा मिल रहा है खाने के लिए लोगों का दिन व्रत है तो यही है। मैं सच बताऊँ अब अच्छा लग रहा है मुझे खा के क्योंकि मेरा अभी तो शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है शरीर में थोड़ी चुस्ती आ गई है थोड़ा हिल लूँ तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भंडारे का खाना मिल रहा है। सो गाइस अभी तो ये है तो अभी आपको चीज़ मिलता है हम लोग अपने गाड़ी के पास तो चलो बाहर भी निकलते हैं। सो अभी आप कुछ कर रहा था सो ये देखो ये टैक्सी साउंड को निकाल रहे हैं ये देखो ऐसे लोगों ने गलत गाड़ियां लगा रखी है उसके चक्कर में गाड़ी भी नहीं निकाल पा रहे हम लोग ऐसे निकाली है हमने गाड़ी तो ठीक है। तो अभी एक काम करते फटाफट से टैक्सी में बैठते और चलते घर और ये ब्लॉग को मैं इधर एंड करता हूँ। होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस कर दें और हाँ जिन जिन नए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तो बोलो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ जिन ने इंस्टाग्राम पर फॉलो किया जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पर फॉलो करें तो मिलता है मेरे किसी ऐसी वीडियो में। चलो बाय गाइस।